नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कोरोना के ढेर पर बैठा पटना, एक दिन में मिले 3,665 मरीज। पूरे बिहार में 15,126 न्यू केस। आज सरकार ने सिर्फ 66,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए पैसे जारी किए, बाकी बचे 2.5 लाख शिक्षकों का कोई फिक्र नहीं। सीएम नीतीश का अधिकारियों को निर्देश, लॉकडाउन में हर मजदूर को मिले काम और गरीबों को मिले भोजन। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने की कोरोना मामले की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगी डिटेल रिपोर्ट। कोरोना का कहर जारी, एनडीए सरकार पर तेजस्वी ने बोला हमला, कहा ऐसी सरकार पृथ्वी ग्रह पर कहीं और नहीं मिलेगी। बिहार में लॉकडाउन जारी, पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों की छुट्टी हुई रद्द। लॉकडाउन का असर, दिल्ली और आसपास के स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों का परिचालन 7 मई से होगी बंद। अब बिहार में बिजली बिल के लिए इस नंबर पर देना होगा मिस्ड कॉल, ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को मिलेगा डिस्काउंट। बिहार में पंचायतें अब BDO DDC DM के हवाले, कैबिनेट की मंजूरी के बाद किया जाएगा लागू। बिहार में प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया तय, ज्यादा वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा है, राजधानी पटना की स्थिति सबसे भयावह है। गुरुवार को बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 15,126 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 3,665 नए मरीज सामने आए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। सूबे में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 15,126 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। सबसे ज़्यादा 3,665 मामले पटना जिले में सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक दिन में 1,05,024 लोगों की जांच की गई है। राजधानी पटना में मिले 3,665 नए मरीजों के अलावा भागलपुर में 503, गया में 752, मुजफ्फरपुर में 736, नालंदा में 535 और पश्चिमी चंपारण में 533 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही साथ अररिया में 251, अरवल में 195, औरंगाबाद में 399, बांका में 125, बेगूसराय में 490, भोजपुर में 172, बक्सर में 269, दरभंगा में 176, पूर्वी चंपारण में 236, गोपालगंज में 315, जपुई में 376, जहानाबाद में 150 और कटिहार में 326 मरीजों की पहचान की गई है। कोरोना के भीषण कहर के दौरान 3-4 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे बिहार के नियोजित शिक्षकों को उनकी सैलरी देने में भी सरकार ने भेदभाव कर दिया। सरकार ने गुरुवार को सूबे के 66,104 नियोजित शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक नगर पंचायत, प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के वेतन के लिए 862,36,26,963 रुपये विमुक्त कर दिए गए। बिहार में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,23,000 है, यानी 2.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाएगा। शिक्षा विभाग इसे लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक बिहार के 66,104 शिक्षकों को बिहार सरकार यानी कि GOB मद से वेतन दिया जाता है। उनके वेतन के लिए पैसे जारी किए गए हैं, जबकि बिहार में कुल नियोजित शिक्षकों की तादाद 3,23,000 है। सरकार ने बाकी बचे 2,56,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों और 15,000 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन जारी नहीं किया है। इन शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA मद से वेतन का भुगतान किया जाता है। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने 15 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान लोगों से घर में रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। इस महामारी के बीच एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में डिप्टी CM रेणु देवी, तारकेश्वर प्रसाद समेत कई अधिकारी शामिल हुए। कोरोना महामारी को लेकर CM नीतीश कुमार ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें रोजगार सृजन और सामुदायिक किचन से संबंधित बातों पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। लॉकडाउन में हर मजदूर को काम मिले और सामुदायिक किचन के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, इसे सुनिश्चित करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण से स्थिति बदतर होते जा रही है। उधर पटना हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की रोज सुनवाई हो रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। बिहार में कोरोना के कहर से निपटने में सरकारी इंतजाम की मॉनिटरिंग कर रही
जनहित मामलों की सुनवाई करते हुए गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट टीम और उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दोपहर 2:30 बजे तक देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने उक्त रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त टैंकर काम कर रहे हैं या नहीं, जितने भी टैंकर अभी कार्यरत हैं उन सब के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दोपहर 2:30 बजे तक दें। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिंता जताई है। तेजस्वी ने कहा है कि कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को ना तो अस्पताल में बेड नसीब हो रहा ना ही ऑक्सीजन और वैक्सीन। लोगों की इस स्थिति के लिए उन्होंने बिहार के एनडीए सरकार को घेरा। तेजस्वी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, 9 राज्यसभा एमपी, 5 केंद्रीय मंत्री 16 वर्षों से एनडीए के सीएम नीतीश कुमार और 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बिहार वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता से सबसे नीचे है। इतनी बेशर्म, विफल, नाकारा व निकम्मी सरकार पृथ्वी ग्रह पर कहीं और नहीं मिलेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विगत 3-4 वर्षों में आपदा विपदा जैसे चमकी बुखार, बाढ़, सुखाड़, जल जमाव, प्रवासी श्रमिकों का पलायन और कोरोना के मामले में बिहार को कभी भी केंद्र सरकार का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला है। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने पूरे बिहार में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। सभी प्रकार का अवकाश अगले आदेश तक रद्द किया गया है। विशेष परिस्थिति में छुट्टी स्वीकृति की जा सकती है। लॉकडाउन के सफल क्रियान्वयन में राज्य पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे लेकर सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। ट्रेनों के परिचालन पर भी लॉकडाउन का असर पड़ता दिख रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के कारण कई ट्रेनों को पहले से ही रद्द की जा चुकी है। अब बिहार और झारखंड में लगे लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एवं इसके आसपास के स्टेशनों से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जिन ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने का फैसला किया है ये ट्रेनें फिलहाल गुरुवार तक चली, इन्हें फिर 7 मई यानी कि आज से अगले आदेश तक के लिए रोका जाएगा। पूर्व दिल्ली के रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कई ट्रेनों को इस कारण रद्द किया जा रहा है क्योंकि उन ट्रेनों में क्षमता के अनुसार यात्री नहीं मिल रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग अपने घरों में रह रहे हैं, लोग फिलहाल यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं, इस कारण ट्रेनों में यात्री नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण रेलवे को नुकसान हो रहा है, इसीलिए रेलवे ने यह फैसला लिया है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। इसका सीधा असर कई विभागों के कार्यों पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते मामलों की रफ्तार को देखते हुए कई विभागों की कार्य व्यवस्थाएं बदल दी गई है। ऐसे में बिजली विभाग ने भी कोरोना को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके मुताबिक अब स्पॉट बिलिंग नहीं होगी बल्कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए उपभोक्ता सभी जरूरी जानकारी ले पाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिजली विभाग ने मई महीने से स्पॉट बिलिंग बंद कर दी है। अब उपभोक्ताओं को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7666008833 नंबर पर मिस्ड कॉल कर जानकारी लेनी होगी। विभाग विशेष परिस्थिति में ही काउंटर पर लोगों को आने की इजाज़त देगा। बिहार में पंचायतें अब BDO DDC DM के हवाले की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। 15 जून के बाद बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों का कामकाज जनप्रतिनिधियों के बजाय पूरी तरह अधिकारियों के हवाले होगा। 15 जून के बाद व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अफसरों को देने की तैयारी की जा रही है। विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार BDO, DDC और DM को सौंपने की तैयारी पंचायती राज विभाग कर रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार की तैयारियों को देख यह कहा जा सकता
सकता है कि 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पहले तो ईवीएम विवाद और फिर रही सही कसर को कोरोना ने पूरी कर दी। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने आयोग की तैयारियों पर पानी फेर दिया। ऐसे में सरकार के पास अब विकल्प के रूप में पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन ही बचा है। बिहार में कोरोना महामारी के इस दौर में एक तरफ जहां लोग ऑक्सीजन और बेड की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो वहीं एम्बुलेंस चालकों का मनमाना रवैया भी काफ़ी परेशान कर रहा है। खासकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालक आपदा को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। वे मरीजों के परिजनों से मनमाना पैसे वसूल रहे हैं और मजबूरन परिजन पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार ने अब प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला लिया है। बिहार सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब सभी प्रकार के प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है। वहीं फिक्स रेट से अधिक पैसे वसूलने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवा बिहार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार के सूचना मिली है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एम्बुलेंस चालकों की ओर से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिसे मरीज के परिजनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है। निदेशालय की ओर से कहा गया है कि एम्बुलेंस का दर निर्धारण के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा समीक्षा के बाद राज्य भर में निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई, जिसके बाद आदेश का उल्लंघन किए जाने पर बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।